नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। आज आपको मैं ले आया हूं ग्राम पंचायत चित्रकाबार, जहां सरपंच प्रत्याशी चुनी देवी अपने साथ है। वर्तमान में भी ये चुनी देवी चित्रकाबार से सरपंच है। तो आज किस एजेंडे को लेकर लोगों के बीच में चुनी देवी वोट मांगने के लिए जा रही है, तो चुनी देवी से अपन बात करते हैं। नमस्कार चुनी देवी जी। चुनी देवी जी, क्या एजेंडा रहेगा आपकी बार आपका, जो लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए जा रही हो? मैं सरकारी योजनाओं से मेरे गांव को सभी सुविधाएं दिलाना चाहती हूँ। ढाका, शौचालय, सड़क, सभी सरकारी योजनाओं से मेरे गांव को दिला के आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और वर्तमान में आप ही सरपंच हो ना, तो आपने क्या क्या काम करवाए? सरकारी योजनाओं के सभी, ढाका, शौचालय, सड़क, सभी योजनाओं का लाभ दिलाया और आगे भी दिलाने की कोशिश करूँगी। और बालिका शिक्षा को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और महिलाओं के बीच में आके महिलाओं से बात करती हूँ, तो महिलाओं के समस्याओं को जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या समस्या है घर में, क्या गांव में समस्या है, उनको सुधारने की कोशिश करती हूँ। और नई नई क्या योजना लाओगी? और भी सरकारी योजनाओं की सभी योजनाएं आएगी, तो वो सभी योजनाएं यहाँ लाके मैं गांव को दिलाना चाहती हूँ कि सभी योजनाओं से मेरे गाँव आगे आए और विकास में आगे बढ़े। तो आप खुद प्रचार खुद कर रही हो? हाँ, मैं खुद प्रचार करके लोगों गांव के महिलाओं के बीच में आके बात करती हूँ, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करती हूँ और मैं खुद प्रचार करने आती हूँ। ये थे चुनी देवी जी। धन्यवाद चुनी देवी जी। तो मिलते रहिए दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से, मिलती रहेगी आपको पल पल की अपडेट। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ये चुनी देवी जी जो डोर टू डोर प्रचार करने के लिए अपने ग्राम पंचायत में निकल चुकी है दोस्तों। ये प्रचार के लिए वोट मांगने के लिए जा रही है दोस्तों चुनी देवी, जो ग्राम पंचायत चित्र का पार से ये वर्तमान सरपंच भी है और सरपंच प्रत्याशी भी है। डोर टू डोर प्रचार है दोस्तों। इस महिला ने पहले भी अपने वर्तमान ग्राम पंचायत में अच्छा काम करवाया है, लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए जा रही है। क्या नाम है आपका? राजू राम जी, आपके पास जो सरपंच प्रतिनिधि वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, जो बांकाराम जी आ रहे हैं, आप बांकाराम जी के काम से संतुष्ट हो? नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, क्या क्या योजना दी आपको? योजना मेरे को दिया है रोड है, लाइट है, पानी की सुविधा है, चाका भी है, मकान भी है, शौचालय भी है, बाकी है कौन? आपको यार हर योजना बनाई? हर योजना बनाई हुई है।
अपन वापस बात करते हैं चुनी देवी से। चुनी देवी जी, 29 तारीख को क्या संदेश देना चाह रही हो आप तो ग्राम पंचायत को? मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि ग्रामवासियों से, सभी से ज़्यादा मतदान करें और मतदान में कोई पीछे न रहे, सभी अपना अपना हिस्सा देकर आगे आए और वोट देकर वोट दें। दोस्तों, मैं हूं कालू माली, आप जुड़े हो मेरे चैनल से। आज मैं आपको लेके आया हूं ग्राम पंचायत चित्र का पार, जहां सरपंच प्रत्याशी बांकाराम जी अपने साथ जुड़े हैं, जो इन्होंने 50 साल की राजनीति थी, जिनकी उन परिवार को इन्होंने इससे पहले 5 वर्ष पहले 268 वोटों से हराया था। अब की बार भी ये क्या एजेंडा रहेगा इनका, ये लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं? तो बांकाराम जी से अपन बात करते हैं। बांकाराम जी नमस्कार। बांकाराम जी, अब की बार क्या एजेंडा रहेगा आपका, लोगों के बीच में आप वोट मांगने के लिए जा रहे हो? 5 साल में बहुत कुछ सुविधा सोचते थे, हमको पूरा जोड़ना, सड़क, पानी, बिजली, बिजली में हमारा काम 100% कार्य हो चुका है, और बाकी पानी का 80% जो भी पीछे बचे हैं, और मैं रहेगा सड़कों से जोड़ना आम आदमी को। और लोगों के आपने क्या क्या पहले काम किए जो लोग आपको आपसे जुड़े हैं? लोगों को मैं रोजगार दिलाना, यहाँ हमारे यहाँ कंपनी के तमाम फिर कहते हुए बहुत है, उनको मैं स्थानीय लोगों को रोजगार लगाना, उनके पास में वो ध्यान देना, उनकी असभा मदद करना, सरकारी जितनी भी योजना है उनका आम जनता लाभ पहुँचाना, और सोशल स्वस्थ आदमी सदन हमारी बनता है भाई, तुम्हें सबसे पहले ऑडियो हुई थी। कितना सड़कों से जुड़ा आपने, शौचालय सड़कों से, BPL को? मैंने 80 किलोमीटर सड़कें बनाई मेरे 5 साल कार्यकाल में, 28 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई, और 700 लगभग टाँके समझ तरीके मिला के 700 टाँके बनाए, पेंशन और 12,000 स्वस्थ आदमी सदन वो भी 1,000 लोगों से लोगों को दिलवाए। अब की बार जनता का क्या रुझान है? जनता विकास के साथ है, जनता ये चाहती है कि दोबारा आपको और हमारे जो भी अधूरे कार्य है उनको मुझसे पूरा करना। ये थे बांकाराम जी, जो सरपंच प्रतिनिधि है अब की बार, ये पहले भी 5 साल ये सरपंच रह चुके हैं यहाँ पर, अब की बार भी सरपंच की दावेदारी की है इन्होंने। सामने वाली पार्टी पहले कितने वर्षों से सरपंच थी? तो आज जो नहीं थे पिछली बार, एक बार बीच में और दूसरा था, हाँ उससे पहले पूरा बड़ा था बेटा पता सब कुछ व्यवहार में था। ये इनका कार्यालय है जहाँ पर लोगों का जमावड़ा है।